हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेडी कोचिंग क्लासेस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका मैथ्स वन का सेकंड लेसन है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर बात किया था, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। सो ये वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे रहेंगे, ये फर्स्ट पेज है। सो इसमें आपको देखिए, ये जो आपको देखे रखा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। तो आपको क्या दिया रहेगा, वो लोग बोलेंगे आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग, एंड ऑप्शन दिया रहेगा आपको। तो ऐसा ये एक्टिविटी जो है, ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देखते आगे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाँ, ये वर्ड प्रॉब्लम देखिए, वर्ड प्रॉब्लम जैसा मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, वो लोग आपको वर्ड प्रॉब्लम देके कंडीशन दिया रहेगा ऑप्शंस में, उसमें से कौन सा करेक्ट कंडीशन है वो आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा कर सकते हैं ये लोग, वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा एंड सपोज कीजिए ये कंडीशन दिया रहेगा ऑप्शन में, एंड और भी थ्री डमी कंडीशन मीन्स रॉन्ग कंडीशन दिया रहेगा आपको वो कन्फ्यूज करने के लिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना रहे करेक्ट कंडीशन, तो आप तभी कर सकते हैं जब आपने ये एक बार गो थ्रू किया रहेगा एंड आपको मालूम रहेगा कंडीशन कैसे फ्रेम करते हैं। सो बहुत ही सिंपल सा है, तो आपको सिर्फ ये एक बार गो थ्रू करना है जितने भी इसमें क्वेश्चन है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कैसा करना है। ओके ओके, देन नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर। ओके देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं, सो लाइक ये आपको दिया रहेगा एंड ऑप्शन में दिया रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसा भी दिया रहेगा एंड चार ऑप्शन दिया रहेगा। ओके, सिमिलरली वो लोग ए बी सी की वैल्यू पूछ सकते हैं, चार ऑप्शन अलग अलग कॉम्बिनेशन देंगे वो लोग चारों ऑप्शन में ए बी सी का, जो उसमें से राइट कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपको टिक मार्क करना रहेगा। ओके ओके देन, हाँ देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वो लोगों ने ऐसा दिया रहेगा एंड अभी ऐसा चेक पेदर तो नहीं बोलेंगे वो लोग, हाँ लेकिन मीन्स इसको फ्रेम वैसा ही करेंगे और उसके बाद में आपको पूछेंगे कि इसका आंसर क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसा बना सकते हैं, देखिए वो लोग बोलेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² - 7x + 6, देन दिया रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड उसमें से ऑप्शन में एक कोई तो या तो ये रहेगा या फिर ये, या फिर कुछ दूसरा दे देंगे जो इसका सोल्यूशन रहेगा, एंड बाकी तीन ऑप्शन मीन्स रॉन्ग रहेगा। तो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन पिक करना है, सो ऐसा भी दे सकते हैं। ओके, सिमिलरली ऐसा देंगे, सिंपल सा ऐसा दे देंगे जो तीन चार स्टेप में आपको आंसर आ जाए, मीन्स के की वैल्यू आ जाए। तो एक आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे एंड के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे एंड आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओके, ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा रियल नंबर होता है। ओके, एंड आपको ऐसा दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसा बना सकते हैं, देखिए इफ ax² + bx + c रिप्रेजेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ऑप्शन में क्या देंगे आपको, a कैन बी जीरो, b एंड c शुड नॉट बी जीरो, एंड वैसे ही आपको बाकी तीन ऑप्शन भी बना देंगे। सो आपको उसमें से टिक कौन सा करना रहेगा जिसमें आपको a नॉन जीरो दिया रहेगा एंड बी एंड सी कैन बी जीरो, बी एंड सी जीरो हो सकता है बट ए नॉन जीरो होना चाहिए आपको पता है, तो ऐसा आपको बना सकते हो वो लोग। मीन्स क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम बता ही रहे कि आपको जो क्वेश्चन बैंक हम दे रहे हैं आपको वो एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है, बिकॉज हम क्वेश्चन बैंक बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब कवर अप कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद में कोई भी एंगल से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो रह नहीं जाने वाला है, मीन्स आपको सारे एंगल आप कवर अप कर लेंगे एंड आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। ओके ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, देखिए ऐसा ही पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर पॉइंट टू, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड सोल्यूशंस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो बहुत सिंपल सा बट पूछ सकते हैं वो लोग, सो चांसेस आर देयर कि पूछ ले वो लोग, बट बहुत सिंपल सा है, कोई भी इसका आंसर दे देगा। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, रीड कर लेंगे, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। ओके, ये तो नहीं पूछेंगे आपको पता है,
डिसाइड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बताया मैंने। सो ये उसके ऊपर ही प्रैक्टिस सेट है। सो बहुत सिंपल सा, इसमें हम लोग ने सब पॉइंट सॉल्व एग्जांपल्स के कवर अप कर लिए। ओके इसमें ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट फैक्टराइजेशन। देखिए सो फैक्टराइजेशन अभी देखिए इसमें आपको दो तीन मेथड दिया हुआ है। एक तो फैक्टराइजेशन दिया हुआ है करेक्ट, एक दिया हुआ है कंप्लीट स्क्वायर ओके, और लास्ट वन में भी दिया हुआ है फॉर्मूला मेथड। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे ना, आप ट्राई कीजिए सबके सबको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का, बिकॉज ये एमसीक्यू वाला एग्जाम है। सो वो लोग ये नहीं चेक करेंगे कि आपने सॉल्व कैसा किया है, वो लोग को सिर्फ ऑप्शन करेक्ट आने से मतलब है। तो आप ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी अगर समझिए आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप फैक्टराइजेशन से ही करें, बिकॉज ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड मोर एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस होते हैं, ये आपको भी पता रहेगा। ओके अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको मालूम रहेगा कि सबसे ईजी मेथड यही रहता है। अगर आपका टेबल टिप ऑफ द टंग पे है तो, एंड टेबल तो आपको आता ही रहेगा उसमें, नो डाउट। ओके तो ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सिंपल से ही देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं देंगे, वो लोग सिंपल सा क्वेश्चन देंगे एंड ऑप्शंस में आपको दे देंगे, आपको बताया जैसा मैंने। सो आपको ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक करेक्ट रहेगा, तीन इनकरेक्ट रहेगा। ओके देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी देखिए जो आगे के जो दो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें अलग अलग मेथड दिया, लाइक ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो ये भी आप फैक्टराइजेशन से करें। ओके अगर फैक्टराइजेशन से आंसर नहीं आ रहा रहेगा ना, समझिए आंसर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे आप, तो आप जो दूसरा मेथड यूज़ करना है वो आप यूज़ कीजिए फार्मूला मेथड, बिकॉज कंप्लीट स्क्वायर मेथड इज द लेंथी मेथड। और अगर आंसर नहीं आ रहा है आपको फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप यूज़ कीजिए फार्मूला मेथड, बिकॉज जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है वो लेंथी है, एंड अगर आप वो यूज़ करेंगे तो ज़रा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, आपका टाइम सेव करना है बाकी सब क्वेश्चंस करने के लिए। ओके ओके ये आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ओके ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अपन हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ओके ये वैल्यू याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आपको आगे एक पॉइंट टू रिमेंबर में करके दिया हुआ है बॉक्स में, देखते वो इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा, इसमें भी सॉल्व ही करना है, फाइंड आउट करना है। सो यही देखिए, यही है फार्मूला मेथड, सॉल्व यूजिंग फार्मूला, ओनली फार्मूला लिखा हुआ है बट ये फार्मूला मेथड है। ओके ये नेचर ऑफ रूट्स का में भी आपको आगे एक बॉक्स दिया है, उसमें दिया हुआ रहेगा, ये सब आगे दिया हुआ, रुकिए एक छोटा सा बॉक्स करके दिया हुआ है आपको, एंड इसमें सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए, सो ये भी दिया है आगे। सो देखते हैं किधर हुआ, पूरा बॉक्स ही आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। ओके ये देखिए, ये पूरा मे बी अराउंड लास्ट 7-8 पेज का समरी इसमें दे के रखा हुआ है। सो ये भी हम लोगों ने देखा था बाय फार्मूला मेथड। ओके एंड ये देखा था अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। ओके एंड नेचर ऑफ रूट्स आपको इसमें दिया हुआ है। सो एक आप ये याद रखिएगा, ये तीन कंडीशन आप याद रखिएगा, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा बोलते हैं ना हम लोग इसको, डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट। सो व्हेन डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो, व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन डेल्टा इज लेस देन जीरो। सो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, जब भी इक्वल टू जीरो रहेगा तो रियल एंड इक्वल रहेगा करेक्ट, इक्वल है तो इधर भी इक्वल एंड रियल रहेगा, इधर ग्रेटर है तो अनइक्वल, और लेस मीन्स नेगेटिव में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे वो नॉट रियल है करेक्ट। एंड ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल दिया है आपको, जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन है, सो ये भी आपको याद रखना है। सो ये कंडीशन भी आप याद रखिएगा, ये नेसेसरी नहीं है कि आपको अल्फा एंड बीटा ही देंगे, वो लोग कुछ और दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे इफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको दे देंगे ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस एन ब्रैकेट में दिया जाएगा, मीन्स यहाँ पे माइनस दे देंगे वो लोग, फिर दूसरे प्लेस पे यहाँ पे एम इंटू एन दे देंगे, यहाँ पे एम प्लस एन दे देंगे, मीन्स ऐसा हो रहा आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आपको देखना है जो एक्स है यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, वो जो रूट दिया हुआ है उसका सम, एंड जो लास्ट में है वो जो दोनों रूट्स है उसका ही मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो आप ये अगर आप इस वे में अगर आप रिविजन करेंगे ना, तो क्वेश्चन कैसे भी आपको घुमा फिरा के देंगे, आपको आंसर देना आ जाएगा। ओके ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट।
देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। अभी हम लोग ने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इज़ माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज़ सी अपॉन ए। देखिए ये पार्ट है जो हमने पढ़ा था अभी, तो ये यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है देखिए यहाँ पे, सो इसमें सिर्फ डेल्टा फाइंड आउट करना आपने पढ़ा रहेगा, सो मीन्स आपने पहले किया हुआ है इसको तो आपको याद रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बिकॉज डेल्टा एंड डिस्क्रिमिनेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो कंपेयर करके आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने आनी चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, अगर इसको मैं कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, वन, कुछ नहीं है मीन्स वन है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये एक्स का माइनस फोर के, ओके, एंड इसका कोएफिशिएंट क्या है, सो इसमें तो कोएफिशिएंट है ही नहीं, सॉरी इसमें तो कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये जो बचा हुआ क्या है, सो प्लस के बाद में जो भी है मीन्स इतना ही प्लस के बाद में ये इतना पार्ट, सो के प्लस थ्री, ये क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ सी, ओके। एंड ये तो आपको था भी नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको ओमिटेड पार्ट में आया था ना, सो ये तो नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड सिमिलरली जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, वर्ड प्रॉब्लम देंगे आपको, कंडीशन दिया रहेगा ऑप्शन में वो पूछ सकते, और अदरवाइज आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा एंड वैल्यूज ऑप्शन में दी रहेगी वैसा पूछ सकते वो लोग। आपको पूरा पूरा वर्ड प्रॉब्लम से सीधा आंसर नहीं पूछेंगे, हाँ अगर पूछना रहेगा वो लोग को, हाँ अगर वो लोग को पूछना रहेगा तो वो लोग क्या करेंगे, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देंगे बहुत ही जो सिंपल सा रहेगा, जो दो तीन स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, लाइक ये फर्स्ट वाला जो दिया है ना आपको, सो ऐसा कुछ तो देंगे जो तीन चार स्टेप में सॉल्व हो जाए। सो इससे ज़्यादा अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो लोग वेटेज इंक्रीज़ करने का काम कर रहे हैं, जो वो लोग नहीं करेंगे बिकॉज वो लोग ने पहले से ही बोला है वन मार्क का रहेगा। सो मैक्सिमम अगर ऑफिशियली डिक्लेयर भी होता है कि टू मार्क का है, तो उससे ऑफिशियली अगर डिक्लेयर भी होता है कि वन नहीं टू मार्क का है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज वन एंड टू मार्क के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से पूछेंगे, ओके। एंड सिमिलर वे में जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेसन का बताया था, प्रॉब्लम सेट वन का जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है लाइक एमसीक्यू है, वो आपको रिवीजन करना है। सिमिलरली इसमें भी जितने भी एमसीक्यू है उसका एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि वो लोग इसमें से ही नया नया क्वेश्चन बना के दे आपको, सिर्फ वो लोग डिजिट्स अल्फ़ाबेट्स वो सब चेंज करेंगे एंड आपको घुमाने का काम करेंगे। तो आपको ये सब एक बार अच्छे से रिविजन कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है, एंड इसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ आप वो डाउनलोड कीजिए, वो सॉल्व कीजिए, एंड उसके बाद में जो भी डाउट है उसमें, जो आपको आंसर नहीं आ रहा है, उसके लिए जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करेंगे, यही पर्टिकुलर चैप्टर मीन्स लेसन नंबर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, तो उसमें आप अपने आंसर ही मैच कर लीजिएगा, एंड जो भी डाउट है वो आपको अगर वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाने वाला है। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जो भी हम लोग लेटेस्ट लेसन चैप्टर्स लेके आ रहे हैं सो उसके ऊपर आपको अपडेट मिलता रहे, एंड आपकी जो सी ई टी की प्रिपरेशन है वो फुल स्विंग में चले, ओके। सो वी विल बी बैक विथ न्यू चैप्टर, टिल देन गुड बाय।